नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि अपनी हंटर का हो गया था एक छोटा सा ब्रेकडाउन। मैं लौट रहा था दोस्तों अपनी बाइक के साथ लखनऊ से, एंड आते वक्त बाइक ने मिसिंग करना स्टार्ट कर दिया और टैपेट से बहुत ज़्यादा नॉइस आने लगी। अब जो मिसिंग थी वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि बाइक बंद होना स्टार्ट हो गई। अब जब तीन बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बाइक के टैपेट से भी बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है और बाइक तीन बार बंद हो गई, तब मैंने इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लिया और मैंने हाईवे पर रुक के एक वीडियो बनाया और वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। अब दोस्तों उसके बाद मैंने रोड साइड असिस्टेंट में कॉल किया, टोल फ्री नंबर पर कॉल किया और साथ ही रॉयल इनफील्ड को एक ईमेल भी किया। अब उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप अगर बाइक चालू कंडीशन में है तो आप कैसी भी सिचुएशन है बाइक की, आप जैसे तैसे करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पहुंच जाइए। अब जहां पे मैं था, मेरी एग्जैक्ट लोकेशन से जो नज़दीक सर्विस सेंटर था वो था आगरा में। अब वहां पहुंचने में दोस्तों मेरे को लग गया टाइम काफ़ी, क्योंकि जिस वक्त मैंने बाइक रोकी थी उस वक्त नियर अबाउट 5 बजे का टाइम हो रहा था और आगरा सर्विस सेंटर पहुंचते 7:30-8 हो गए, यानी कि सर्विस सेंटर बंद हो गया। अब उसके बाद मैंने वहां पे होटल लिया और मैं वहां रुका। रुकने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं यहां आगरा में दिखाता हूं तो आगरा से गुड़गांव की दूरी बहुत ज़्यादा है। साथ ही में मैंने अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया तो मुझे पता लगा कि आगरा के बजाय अगर मैं मथुरा के वर्कशॉप में अपना बाइक दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने उनका ओपिनियन मान के मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गया वहाँ आगरा से मथुरा के लिए और मथुरा के सर्विस सेंटर में मैंने अपनी बाइक को दे दिया। अब बाइक देने के बाद दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बाइक का जॉब कार्ड बनाया, मेरी प्रॉब्लम प्रॉपरली सुनी और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इन फ्यूचर भी देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही अपनी बाइक अंदर गई तो सबसे पहले उन्होंने वॉशिंग की एंड वॉशिंग करने के बाद वो लोग रैंप पे बाइक को लेके चले गए। अब यहाँ पे मैं उस वक्त वीडियो बना रहा था तो जो सर्विस के मैनेजर थे उन्होंने मुझे बोला कि सर प्लीज़ आप वीडियो शूट मत करिए, मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपकी प्रॉब्लम है इसको प्रॉपरली रिजॉल्व कर दिया जाएगा, बस आप वीडियो शूट नहीं करेंगे तो ये अच्छा होगा। तो मैंने उनकी बात को रिस्पेक्ट करते हुए वीडियो वहाँ पे बनाना बंद कर दिया एंड इस वीडियो में भी मैं वो कोई भी क्लिप अटैच नहीं करूँगा। अब दोस्तों जिस वक्त मेरी बाइक रैंप पे गई उस वक्त मुझे जो सबसे बड़ा डर लग रहा था कि मैंने बाइक के अंदर लगाया हुआ है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट और दूसरी जो चीज़ बाइक के अंदर लगी हुई है वो है फ्यूल एक्स प्रो। तो मुझे डर इस चीज़ का था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बोलें कि सर आपने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, फ्यूल एक्स प्रो लगाया हुआ है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक डर था मेरे दिमाग में। लेकिन उसके बाद मेरी मैनेजर साहब से बात हुई, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया एग्जॉस्ट और फ्यूल एक्स प्रो के बारे में, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रॉयल इनफील्ड लिया है किसी भी कस्टमर ने तो हम लोग अपनी बाइक्स को पहले से ही प्रिपेयर करके मेंटली प्रिपेयर रहते हैं अपनी बाइक्स के लिए कि अगर रॉयल इनफील्ड लिए तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो कस्टमर अपने हैंड से करेगा ही। तो ये चीज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके बाद दोस्तों जैसे ही बाइक रैंप पे गई तो हम लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि आगरा से मथुरा तक पहुंचने के लिए हमने ब्रेक तो कई लिए थे, जैसे कि टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक या फ्रूट चाट ले ली थी रास्ते में, लेकिन प्रॉपर खाना नहीं खाया था। हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे आगरा होटल से ही, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को लंच के लिए जाना है। सो उन्होंने अपनी एक स्टैंडर्ड रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड मेरे को दे दी चाबी के साथ कि सर आप बाइक लीजिए और आप जाके लंच करके आइए। तो मैं लगभग 1:15 बजे वहाँ से निकला था और लगभग 3:30 बजे मैं लंच करके वापस आए हम दोनों। एंड जिस वक्त मैं वापस आया उस वक्त 2 टेक्नीशियन मेरी बाइक में लगे हुए थे, तो इतना मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना सीरियसली चीज़ों को लिया जाएगा। एंड उस पूरे प्रोसेस में उन्होंने मेरा सबसे पहले जो फ्यूल टैंक था, फ्यूल टैंक के अंदर जितना भी फ्यूल था उसको ड्रेन किया, ड्रेन करने के बाद में जो भी चेक किया कि कोई और पार्टिकल्स तो नहीं है, उसके बाद जो स्पार्क प्लग होता है बाइक के अंदर उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया एंड टैपेट के लिए जो टैपेट का नॉइस आ रहा था उसके लिए उन्होंने यहाँ से इसको इंजन को खोला टैपेट सेट करने के लिए, और एक जो गैस्केट डलती है टैपेट सेट करने के बाद, गैस्केट क्या करता है कि ऑयल लीक ना हो, सो वो गैस्केट भी उन्होंने डाल दिया। बाइक एकदम रेडी हो गई, लगभग 4:30 बजे पॉलिश होके मेरे हाथ में आ गई एंड
बिल जो था दोस्तों वो था शून्य। स्पार्क प्लग भी उनके उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री चेंज किया, एंड जो गैस्केट होती है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री चेंज किया, वॉशिंग तो हो ही गई, साथ के साथ उन्होंने चेन को भी क्लीन करके ल्यूब कर दिया था। एंड अभी मेरी बाइक के जो किलोमीटर्स है वो है लगभग आई थिंक 3700-3800 किलोमीटर्स की अप्रॉक्स ये चल चुकी है। तो ये सर्विस की उम्मीद मुझे नहीं थी, जबकि मैं तो डर ये रहा था, मेरे मन में ये डर था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर मार्केट चीज़ों की वजह से मेरा वारंटी जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आए या कोई मेजर खर्चा आ जाए और जो कि वारंटी में अप्रूव ना किया जाए, जबकि मेरे साथ हुआ इसका उल्टा। ये सारी चीज़ें होते हुए भी उन्होंने बोला कि सर हम पहले से ही अपनी बाइक्स को प्रिपेयर करके रखते हैं और ख़ुद भी मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। मुझे डर था कि यार कहीं ये 2.25 लाख रुपये गलत ब्रांड को तो चूज़ नहीं कर लिया, लेकिन फाइनली थैंक यू सो मच रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर मथुरा जय गुरुदेव के पास में है, मंदिर के पास में, तो उन्होंने उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी, सर्विस बहुत अच्छी थी, एंड टाइम के अंदर ही उन्होंने जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व कर दिया। 4:30 बजे मेरे हाथ में बाइक दे दी थी कि सर आप जा सकते हैं, ये आपका गेट पास है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा दोस्तों। सो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्योंकि मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था जिस वक्त ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यार ये क्या है, कहीं फैसला गलत तो नहीं हो गया ये बाइक लेके। बट थैंकफुली मथुरा रॉयल इनफील्ड आप लोगों ने बहुत हेल्प किया, उस चीज़ के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड स्पेसिफिकली टीम एंड मैनेजर साहब का। दूसरा जो RSA जो था रोड साइड असिस्टेंट, उन्होंने भी काफ़ी कॉपरेट किया, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे लगी। एंड मैं आप सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रॉयल इनफील्ड लेते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि यार 350 cc का इंजन है, माइलेज भी 30 का मिलता है, भागती भी नहीं है बाइक, तो क्या ही फ़ायदा है इसका। लेकिन बेनिफिट्स जब आप रॉयल इनफील्ड ओन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो जो 350 cc का इंजन जो भागता नहीं है, जो उतना रिफाइंड नहीं है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ अवेयरनेस था, एंड आई होप ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा था। मैं उस टाइम पे बहुत हताश हो गया था, तो अगर मैंने कोई गलत शब्द इस बाइक के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया हो तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद डीमोटिवेट करना किसी को भी या डिफेम करना नहीं था, मैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अब सॉल्यूशन मिल गया है तो वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। तो आप सभी का वंस अगेन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, एंड रॉयल इनफील्ड ऑफिशियल्स का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट अगर आप इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी ओपिनियन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी @bikebone21। तब तक सुरक्षित रहिए, हेलमेट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, और जो छपरी कुछ आजकल मोटो व्लॉगर्स हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं रस राइडिंग करने के लिए या फिर हाइपर राइडिंग करने के लिए पब्लिक रोड्स पे, उनको फॉलो मत करिए, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है और इसका महत्व बहुत है। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं मिलूंगा आपको कल शाम को 5:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।